आने वाली भाषा है। ये चीनी पूर्वी एशिया के कुछ देशों में बोली जाती है। चीनी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार में आती है और वास्तव में कई भाषाओं और बोलियों का समूह है। मानकीकृत चीनी असल में एक मंदारिनी नामक भाषा है। इसमें एकाक्षरी शब्द या फिर शब्द भाग ही होते हैं और ये चीनी भावचित्र में लिखी जाती है। चीनी एक सुरभेदी भाषा है। चीनी भाषा और साहित्य। चीनी साहित्य अपनी प्राचीनता, विविधता और ऐतिहासिक उल्लेखों के लिए प्रख्यात है। चीन का प्राचीन साहित्य 5 क्लासिकल के रूप में उपलब्ध होता है, जिसके प्राचीनतम भाग का ईसा के पूर्व लगभग 15वीं शताब्दी माना जाता है। इसमें इतिहास शू चिंग, प्रस्तुति गीत शी चिंग, परिवर्तित ई चिंग, विधि विधान तथा कन्फ्यूजन्स द्वारा संग्रहित वसंत और शरद विवरण नामक तत्कालीन इतिहास शामिल है, जो चीन राजवंशों के पूर्व का एकमात्र ऐतिहासिक संग्रह है। पूर्व काल में शासन व्यवस्था चलाने के लिए राज्य के पदाधिकारियों को कन्फ्यूजन्स धर्म में पारंगत होना आवश्यक था। इससे सरकारी परीक्षाओं के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। कन्फ्यूजन्स के अतिरिक्त चीन में लाओतस, चुआंगतस और मेंशियस आदि अनेक दार्शनिक हो गए, जिनके साहित्य ने चीनी जनजीवन को प्रभावित किया। चित्र आंख के भावचित्र का हस्तलिखित रूप शांग राजवंश काल में हड्डियों पर खरोचे गए स्वर, अतः संयुक्त भावचित्र इनमें भविष्यवाणियों की जाती है। कई साल पहले बनी चीनी भावचित्र सिखाने के लिए एक पुस्तक का पृष्ठ गाय के चित्र से कैसे उसका आधुनिक भावचित्र बदलावों के साथ उत्पन्न हुआ। चीनी भावचित्रों में हर दिशा में खींची जाने वाली हर प्रकार की लकीर का एक भिन्न नाम है। हर भावचित्र में ये लकीरें अलग तरह से सम्मिलित होती है। यहाँ दिखाए गए भावचित्र का मतलब हमेशा या सनातन है, हांजी अथवा चीनी भावचित्र होते हैं। इन्हें चीनी के लिए जब प्रयोग किया जाए तो ये हांजी कहलाते हैं और जब जापानी के लिए प्रयोग किए जाए तो कांजी कहलाते हैं। पुराने जमाने में इनका प्रयोग कोरियाई भाषा और वियतनामी भाषा के लिए भी होता था। चीनी भावचित्र दुनिया की सबसे पुरानी चलती आ रही लिखने वाली विधि है। वशंगत शासन। चीनी परंपराओं में जिया वंश को प्रथम माना जाता है और इसे मिथकीय ही समझा जा रहा है, जब तक कि हैनान प्रांत के एर्ली टाउ में पुरातात्विक खुदाइयों में कांस्य युगीन स्थलों के प्रमाण नहीं मिले। पुरातत्वविदों के अब तक की खुदाई में नगरीय स्थलों के अवशेष, कांस्य के औजार और उन स्थानों पर समाधि स्थल मिले हैं, जिन्हें प्राचीन लेखों में जिया वंश से संबंधित माना जाता है। लेकिन इन अवशेषों की प्रमाणिकता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जिया काल से कोई लिखित अवशेष नहीं मिलते। दूसरा वंश शांग, जो कि कुछ कलाकारी था, पूर्वी चीन की पीली नदी किनारे ये बसा था। पश्चिम में बसे झोंग साम्राज्य ने आक्रमण के बाद इसे उन पर शासन किया था, जब तक कि उनका एकाकृत नियंत्रण पड़ोस के साम्राज्य के हमलों से क्षीणा नहीं हो गया। कई शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य आपस में लगातार एक दूसरे पर बसंत और पतझड़ के महीनों में युद्ध करते, जिससे झोंग के राजाओं को कुछ समय मिल जाता। प्राचीन चीन। प्रथम एकीकृत चीनी राज्य की स्थापना किन वंश द्वारा की गई थी? जब चीनी सम्राट का दरबार स्थापित किया गया और चीनी भाषा का बलपूर्वक मानकीकरण किया गया। ये साम्राज्य अधिक समय तक नहीं टिक पाया क्योंकि कानूनी नीतियों के चलते इनका व्यापक विरोध हुआ। हान राजवंश के शासकों ने चीन पर राज किया और चीन की संस्कृति पर अपनी अमीट छाप छोड़ी। ये प्रभाव अब तक विद्यमान है। हान वंश ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सैन्य अभियानों द्वारा आगे तक फैलाया, जो वर्तमान समय के कोरिया, वियतनाम, मंगोलिया और मध्य एशिया तक फैला था और जो मध्य एशिया में रेशम मार्ग की स्थापना में सहायक हुआ।
हानों के पतन के बाद चीन में फिर से अराजकता का माहौल छा गया और अनेकीकरण के एक और युग का आरंभ हुआ। स्वतंत्र चीनी राज्यों द्वारा इस काल में जापान से राजनयिक संबंध स्थापित किए गए, जो चीनी लेखन कला को वहां ले गए। सुई वंश के शासक में चीन का एक बार फिर से एकीकरण हुआ, लेकिन सुई वंश कुछ वर्षों तक ही रहा और गोगुरियो सुई युद्धों में हार के बाद सुई वंश का पतन हो गया। इसके बाद के तैंग और सोंग वंशों के शासन में चीनी संस्कृति और प्रौद्योगिकी अपने चरम पर पहुंचे। सोंग वंश विश्व इतिहास की पहली ऐसी सरकार थी जिसने कागजी मुद्रा जारी की और पहली ऐसी चीनी नागरिक व्यवस्था थी जिसने स्थायी नौसेना की स्थापना की। चीन की जनसंख्या इस वक्त तक दोगुनी हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण था चावल की खेती का मध्य और दक्षिणी चीन तक फैलाव और खाद्य सामग्री का बहुतायात में उत्पादन। उत्तरी सोंग वंश की सीमाओं में ही लगभग काफी करोड़ लोग रहते थे। सोंग वंश चीन का सांस्कृतिक रूप से स्वर्णिम काल था, जब चीन में कला, साहित्य और सामाजिक जीवन में बहुत उन्नति हुई। 7वीं से 12वीं सदी तक चीनी विश्व का सबसे सुसंस्कृतिक देश बन गया। मध्य करने का प्रयास किया। इस समय चीन में युवानों का शासन था। मंगोलों ने इसी काल में चीन पर आक्रमण किया। यूरोप का प्रसिद्ध यात्री तथा व्यापारी मार्को पोलो अपने पिता तथा चाचा के साथ वेनिस से इसी समय चीन पहुंचा। अल्पकाल के लिए उसने कबुलाई खां के दरबार में नौकरी भी की, पर उसकी ये सेवा वृत्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उसकी यात्रा संबंधी डायरी। इस डायरी में उसने चीन के संबंध में चर्चा की, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी देशों का ध्यान चीन की ओर गया। इसी समय इटली शहरों से अनेक यात्री निकट पूर्व की यात्रा करने के सिलसिले में चीन भी आए। इसके अतिरिक्त रोमन कैथोलिक ने भी चीन से संबंध कायम करने का प्रयास किया, लेकिन 13वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 14वीं सदी के उत्तरार्ध तक 1279 से 1368 ईस्वी चीन से संपर्क कायम करने के लिए इन देशों ने जो कुछ भी प्रयास किया, वो किसी भी दृष्टिकोण से विशेष महत्व का नहीं था। इसी समय चीन में प्रविष्ट यात्रियों की संख्या भी अल्प ही थी, पर इतना सही है कि किसी समय से यूरोपियन देशों का ध्यान एशिया के संपन्न देशों की ओर गया और वो आगामी सदियों में इन पर छा जाने का प्रयास करने लगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।